हेलो बच्चों, आज के क्लास में पढ़ेंगे हम क्लास 10 का जैव प्रक्रम लाइफ प्रोसेस। क्या होगा? लाइफ प्रोसेस। देखिए जैव प्रक्रम होता क्या है? जैव प्रक्रम सजीव और निर्जीव से ही निकला है। जैव प्रक्रम जैसे सजीव के बारे में अगर हम सोचेंगे, जो वस्तु सांस लेता है, जो वस्तु व्यक्ति सांस लेता है उसे क्या बोलते हैं? जो जीव वो सांस लेता है उसे बोलते हैं सजीव, जो सांस नहीं लेता उसे बोलते हैं निर्जीव। उसी से निकल गया है जैव प्रक्रम लाइफ प्रोसेस। वैसी क्रियाएं जिसके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है उसे जैव प्रक्रम कहलाता है। जो जीव के द्वारा अनुरक्षण होता है, जो काम क्रिया होता है उसी को बोलते हैं जैव प्रक्रम। वैसी क्रियाएं जिसके द्वारा जीवों का क्या होता है? अनुरक्षण होता है, वह जैव प्रक्रम कहलाता है। अगला है इसमें एक नंबर में जैव प्रक्रम के कितने भागों में? 5 भागों में बांटा गया है। पहला पोषण, शोषण, पाचन, परिसंचरण और उत्सर्जन। देखिए पोषण का मतलब क्या होता है? पोषण जो हम क्या करते हैं, अपने शरीर के अंदर भोजन लेते हैं उसी को बोलते हैं पोषण। सांस लेते हैं उसी को बोलते हैं शोषण। अगला है पाचन, जो हम भोजन खाते हैं, ठीक है, जो हम भोजन खाते हैं और उसमें जो पाचन क्रिया होती है हमारे अंगों तक पहुंचती है, जो पाचन की क्रिया होता है उसी को बोलते हैं पाचन। अगला है परिसंचरण। परिसंचरण का मतलब देखिए क्या होता है? परिसंचरण का मतलब जो हम खाद्य पदार्थ अपने भोजन अंदर लेते हैं, हरेक स्थानों पर, हरेक अपना जगहों पर जो खाद्य पदार्थ हमारे बॉडी के अंदर जितना मतलब शरीर के अंदर जो स्थान है वो हरेक जगह जाता है उसी को बोलते हैं परिसंचरण होता है। उत्सर्जन लास्ट में क्या करते हैं? उत्सर्जन हमारे शरीर से वो बाहर निकल जाती है उसी को क्या बोलते हैं? उत्सर्जन बोलते हैं। समझे? जैसे मल हो गया उत्सर्जन हो रहा है, जैसे टॉयलेट हो गया उत्सर्जन हो रहा है, उसी को बोलते हैं उत्सर्जन। ठीक है, अगला आपका पोषण। पोषण के बारे में समझेंगे। न्यूट्रिशन है पोषण में उपस्थित पोषक तत्व का उपयोग करके जो शरीर में ऊर्जा प्राप्त होती है वह पोषण कहलाता है। अब देखिए पोषण का मतलब समझिए, जो अपने शरीर के अंदर हम भोजन लेते हैं उससे प्रोटीन मिलती है, कार्बोहाइड्रेट मिलती है, ये सब जो पदार्थ हमें मिलती है, जो विटामिन मिलती है उसी को बोलते हैं पोषण। हमारे शरीर में जो खाएंगे, रोटी खाएंगे, सब्जी खाएंगे, चाहे मतलब फल कोई खाइए, उसमें क्या विटामिन प्राप्त होती है, उसी से क्या होता है पोषक तत्व का जो उपयोग करके शरीर में जो ऊर्जा हमें ऊर्जा प्राप्त होती है, हम खाते हैं, पीते हैं, दौड़ते हैं, उसे क्या होता है ऊर्जा हमें प्राप्त होती है, काम करते हैं ऊर्जा प्राप्त होती है, उसी को क्या बोलते हैं? पोषण बोलते हैं। अगला पोषण के प्रकार, टाइप ऑफ न्यूट्रिशन। देखिए पोषण दो प्रकार के होता है, पोषण दो सो पोषण पोषण ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। क्या है? ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। अगला प्रोपोषण पोषण, उसके बाद है हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। देखिए पहला है स्वपोषण पोषण। क्या है स्वपोषण पोषण? इसका मतलब यह होता है देखिए, वैसे जीव जो अपना भोजन के लिए दूसरों जीवों या प्राणियों पर निर्भर नहीं करते हैं। देखिए इसका मतलब क्या हुआ, जो जीव कोई भी जीव है, हम हो गया, कोई भी जीव हो गया, मतलब दूसरे पर निर्भर नहीं करते। हम तो अनपढ़ कोई भी उत्पाद पर निर्भर करते हैं या कोई जानवर पर निर्भर करते हैं, इसी को बोलते हैं क्या, कोई भी प्राणी अपने मतलब किसी पर निर्भर नहीं करते हैं। फिर समझिए, वैसा जीव जो अपना भोजन के लिए दूसरे जीव या कोई भी प्राणी पर निर्भर नहीं करता है उसे बोलते हैं स्वपोषण कहलाता है, वह स्वपोषण कहलाता है। उदाहरण समझिए, जैसे पेड़ पौधा, वो किसी पर आश्रित नहीं है, उसको किसी के प्राणी या जीवों का मतलब नहीं है। जैसे जो प्रकाश संश्लेषण की सहायता से क्या होता है, वो भोजन प्राप्त करते हैं, उसी के पर किसी पर निर्भर नहीं होते हैं। क्या होते हैं? खुद से वो प्रकाश को कौन सी कहते हैं? निर्भर होते हैं। उसमें प्रकाश पड़ता है, उस पर कोई लेने के लिए प्रकाश नहीं जाता है, उस पर प्रकाश पड़ता है और भोजन वो ग्रहण कर लेते हैं। जैसे हो गया पेड़ पौधा। अगला समझेंगे परपोषण पोषण। इसका मतलब होता है वैसे जीव जो अपना भोजन के लिए दूसरे प्राणी पर निर्भर करते हैं। क्या बोलेंगे? वैसा जीव जो अपना भोजन के लिए दूसरे प्राणी या जीवों पर निर्भर करेंगे, प्राणी या जीव या प्राणियों पर निर्भर करते हैं, वह परपोषण कहलाता है। देखिए परपोषण जैसे मनुष्य हो गया, गाय हो गया, भैंस हो गया, बकरी हो गया, शेर हो गया। अब शेर मानिए किसी मतलब जीवों पर मतलब रहते हैं, जीव या प्राणियों पर निर्भर करते हैं, जैसे उसके लिए उसका मांस खाते हैं हम लोग। जैसे मनुष्य हो गया, मनुष्य की कोई उत्पाद पर, जैसे गेहूं हुआ, मक्का हुआ, इस पर उत्पाद करके क्या करते हैं, उसको हम खाते हैं, उसी पर निर्भर है ना। इसी का मतलब होता है परपोषण। जैसे हो गया मनुष्य, गाय, बकरी, शेर इत्यादि, बहुत सारा परपोषण में होता है। अगले वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें।